सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बात टाइम टू टाइम गवर्नमेंट तक पहुँचाई। मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो प्रेस वार्ता है इस बार भी रोना एक ही है, पेमेंट्स का, क्योंकि ये 8वीं प्रेस वार्ता है हमारी। उसके बावजूद भी हमें आज तक ना तो कोई पेमेंट हुई और ना ही हमें कुछ सरकार की तरफ से इसका आश्वासन ही मिलते रहे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पहले हम डिमांड जो लैंग्विशिंग की, क्योंकि हमने लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट में काम किए, उसमें हमें इन्होंने बोला कि सेक्रेटरेट तक ये बातें हमने अपनी रखी और वहाँ पे हम कमिश्नर साहब से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी और हम इस स्कीम को फोर क्लोज कर देंगे, लेकिन टाइम टू टाइम कमिश्नर चेंज होते रहे और हमारी जो बातें थी वो किताबों तक ही रही, ना कि इम्प्लीमेंट हुई। लैंग्विशिंग में इन्होंने बोला था कि फोर क्लोज करके आपकी पेमेंट जो है, ओल्ड पेमेंट है, वो सारी आपकी क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन इन्होंने वो क्लियर नहीं करी। हम वहाँ पे फंसे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक राइडर लगा दिया, पेमेंट हमारी वहाँ पे बनी पड़ी है, सेक्रेटरेट में गई हुई हैं, और वहाँ पे इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि 15% से ऊपर जो पेमेंट है वो हम नहीं करेंगे, 15% से नीचे की पेमेंट करेंगे। लेकिन 15% का मतलब हमने 2012 के शेड्यूल में ये काम लिए थे। अगर हम 15% के हिसाब आज के हिसाब से, नए शेड्यूल के हिसाब से जाएं, तो हमें उसमें भी बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हरासमेंट की जा रही है। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हरासमेंट ना की जाए, हरास ना किया जाए, हमें हमारे काम पे फोकस किया जाए और हमारी जो पेमेंट्स है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए।